दोस्तों, दिस साइड सुभाष चौधरी और आप स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और एक वीडियो मैंने पहले बताई थी कि कितने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं राजे नेशनल पार्क में, उनकी कम्प्लीटली मैंने नाम बता दिए थे और किस किस जगह लोकेटेड है वो भी बता दिया था। लेकिन एक चीज़ बतानी मैं भूल गया था, वो ये था कि क्या आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बहुत लोगों की क्वेरी है कि क्या हम राजा जी नेशनल पार्क में के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जो वन विश्राम भवन है उनमें नाइट स्टे कर सकते हैं जंगल के बीचों बीच, जैसा कि ढिकाला में करते हैं, कोरबेट में करते हैं, यानी कि बिजरानी में करते हैं, ढेला में करते हैं, ऑनलाइन परमिट मिल जाता है बहुत ईजिली। तो क्या ऐसा कुछ राजा जी के केस में भी है? तो बहुत लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं बता दूँ आपको क्लियरली, ऐसा बिल्कुल भी राजा जी में पॉसिबल नहीं है। राजा जी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आप नॉर्मल पर्सन जो सिविलियन है वो नहीं रुक सकता। जो राजा नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं वो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए ही बने हुए हैं, उनका कोई ऑनलाइन परमिट नहीं मिलता। और अगर आपको रुकना भी है, जैसे कि मैं रुका था रानीपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में या चिला में, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने जूते घिसने पड़ेंगे, मतलब कि आपको देहरादून के जो इनके राजा जी के ऑफिस हैं उनके चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको वहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और तब आपको वहाँ पर जाके स्टे मिलेगा। और वहाँ पर भी अगर आपको स्टे मिलना है तो ऐसा नहीं कि आपको एक हफ्ता दो हफ्ता पहले ही दे दिया, वो देखेंगे कि क्या कोई ऑफिसर तो नहीं आ रहा, कोई जज तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर किसी की विजिट नहीं है तो उनको लगेगा तो वो आपको दो दिन पहले आपको परमिट दे देंगे कि चलो कोई नहीं आ रहा, आप रुक सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं रहती है। मान लो कोई जज आ गया, हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का, हो सकता है उनके लिए पता है फॉरेस्ट वाले भी निकल जाते हैं, उन फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स को भी उनके लिए खाली करना पड़ता है। तो जो ये है, तो मोटा माटी जो बात है वो ये है कि सिविलियंस के लिए राजा जी का कोई भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस नहीं है। और अगर आपको रुकना भी है तो चिल्ला का जो ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है आप उसमें रुक सकते हैं, उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। और बाकी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस उसकी बुकिंग तो वही बड़ी मुश्किल से होती है उसकी भी, अगर कोई बुकिंग नहीं है किसी ऑफिशियल की। और बाकी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जैसे मिथावली, धौलकंड या फिर ये घने जंगलों में बसे हुए हैं, उनकी तो आप भूल ही जाइए, वो तो सिविलियंस को मिलते ही नहीं है। मैं काफ़ी सालों से मैं भी कोशिश करता रहता हूँ तो मुझे भी स्टे का परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है। तो भाई वहाँ पे बिल्कुल भी टूरिस्ट कल्चर नहीं है, टूरिस्ट के लिए नहीं है। जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है राजा जी में, सभी उनके ऑफिशियल्स के लिए हैं या फिर जजेस के लिए हैं या फिर जो चीफ जो होते हैं इनके कंजर्वेशन के या वाइल्ड लाइफ के, वो रुक सकते हैं कुछ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, या IFS DFO वो रुक सकते हैं, बाकी किसी को उसमें अलाउ नहीं है। तो राजा जी नेशनल पार्क में रुकना भाई बहुत बहुत टफ है। और सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ करेंगे, परमिट भी, जो डे सफारी है वो भी भाई आपको ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, आप वहीं पे जाके हैंड टू हैंड मिलता है, अगर ज़्यादा क्राउड नहीं होता है तो मिल जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलता है। तो भाई डे सफारी के भी परमिट नहीं मिलते हैं ऑनलाइन, और ना ही स्टे के, स्टे तो अलाउ ही नहीं है। लेकिन चिला में एक ज़्यादातर स्टे जो लोग रुकते हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के नाम पे, वो GMVN में रुकते हैं, चिला में GMVN है तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं, उसकी तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन चिला के में जो FRH है वहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और कन्फ्यूज़न दूर करना था आपका कि टूरिस्ट के लिए इतना आसान नहीं है और परमिट नहीं मिलता है। तो बेटर कि आप इधर उधर किसी भी प्राइवेट रिजॉर्ट में रुक जाइए, जैसे कि राजा जी जंगल कासल है, वो बिल्कुल फॉरेस्ट वाला फील देता है। फिर वहाँ पे वाइल्ड ब्रूक है या फिर और भी हैं बहुत सारे, राजा जी जंगली रिजॉर्ट है विवेक अवस्थी जी का, तो आप उसमें रुक सकते हैं या इधर उधर कहीं भी रुक सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए उनको बुक कराने में, जैसे कि राजा जंगल का असल है, तो आप मुझे बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है, आप करिए। अगर आपको सफारी बुक करनी है कहीं की राजा जी की, तो भी आप मेरे थ्रू करवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉर्बेट का भी और राजा जी का भी। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.